हेलो बच्चों, गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिरी तक पूरा देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बैलेंस्ड सेक्शन, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन और अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन के बारे में। उससे पहले आप यहाँ पर एक थोड़ा बेसिकली इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, ठीक है। ये एक बीम बनाया हुआ है जिसमें न्यूट्रल अक्ष, जिसमें ये आपकी न्यूट्रल अक्ष है। न्यूट्रल अक्ष क्या होती है ये तो मैंने आपको बताया ही था कि न्यूट्रल अक्ष वो होती है जिस पर किसी भी प्रतिबल का मान शून्य होता है, उसे हम न्यूट्रल अक्ष बोलते हैं, ठीक है। बीम के अंदर कोई भी बीम हो उसमें एक ना एक न्यूट्रल अक्ष जरूर रहती है, ठीक है। तो न्यूट्रल अक्ष पर किसी भी प्रतिबल का मान शून्य होता है, ठीक है। न्यूट्रल अक्ष से जो ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसे हम कंप्रेशन जोन बोलते हैं, और जो न्यूट्रल अक्ष से नीचे का जो क्षेत्र होता है उसे हम टेंशन जोन बोलते हैं, ठीक है। कंप्रेशन जोन में जो प्रतिबल उपजते हैं, ठीक है, जो प्रतिबल उपजते हैं उन्हें हम सिग्मा सीबी के रूप में जानते हैं, ठीक है। ये कंक्रीट में उत्पन्न होने वाले प्रतिबल होते हैं, ठीक है, इन्हें हम सिग्मा सीबी के रूप में जानते हैं। और जो आपके टेंशन जोन में जो इस्पात में जो प्रतिबल उपजते हैं अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिबल, उन्हें हम सिग्मा एस टी के रूप में जानते हैं, सिग्मा एस टी, ठीक है। तो अब बात करते हैं इन प्रतिबलों का कार्य क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इन प्रतिबलों का कार्य क्या होता है। जब किसी बीम पर कोई बल आता है तो उस बल को बियर करने का जो कार्य होता है वो इन्हीं प्रतिबलों का होता है, इन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि जो भी आपका लोड आ रहा है उसे संभालने का कार्य इन्हीं का होता है, इसीलिए इन्हें हम वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं, यानी कि कार्यकारी प्रतिबल, ठीक है। कार्यकारी प्रतिबल क्या होते हैं, कार्यकारी प्रतिबल चरम सामर्थ्य के आधार पर निकाले जाते हैं। जैसे कि आपकी M20 ग्रेड की कंक्रीट होगी तो उसमें जो आपका चरम प्रतिबल होगा उसका मान 20 होता है, ठीक है, उसका मान 20 होता है। और इसे हम इस कंक्रीट के सुरक्षा गुणांक से भाग देकर हम एक प्रतिबल का मान निकाल लेते हैं जो कि एक सुरक्षित कार्यकारी प्रतिबल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आप मान लो कि M20 जो ग्रेड के हम कंक्रीट बना रहे हैं, ठीक है, उसकी चरम सामर्थ्य जो है वो 20 न्यूटन पर mm² है, यानी कि 20 न्यूटन पर mm², यानी कि 1 mm² से अगर आप 20 न्यूटन का भार लगाओगे, बल लगाओगे, तो हमारा कंक्रीट जो है विफल हो जाएगा। तो इसलिए उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, कवर करने के लिए हम एक ऐसा मान निकाल लेते हैं जो कि सुरक्षित रहे, जिस पर हम कंक्रीट को भारित कर सकते हैं और हमारा कंक्रीट भी सुरक्षित रहे उस, ठीक है, हमारा खंड सुरक्षित रहे, ठीक है। तो इसलिए हम सुरक्षा गुणांक से भाग देकर हम प्रतिबल निकाल लेते हैं, कार्यकारी प्रतिबल, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें FE 415 ग्रेड का जो आपका इस्पात होता है उसकी बात करें अगर हम, तो उसमें जो आपका चरम प्रतिबल होता है वो 415 होता है, ठीक है। इसे हम इस्पात के सुरक्षा गुणांक से भाग देकर जो मान निकालते हैं, ठीक है, उसे हम इस्पात का अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। ये मान आपका 233 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लेकिन इसे हम जो लेते हैं स्टैंडर्ड मान वो 230 लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो दो प्रतिबल होते हैं, ये ही दो प्रतिबल बीम पर आने वाले लोड को बियर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड सेक्शन के बारे में, ठीक है। आपका बैलेंस सेक्शन क्या होता है, उसमें क्या क्या वर्क होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। बैलेंस सेक्शन की बात करें तो जब हम किसी बीम पर कोई लोड आता है तो उसमें जो कंक्रीट का अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिबल होता है और जो इस्पात का अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिबल होता है,
वे दोनों दोनों एक साथ उपजते हैं, ठीक है। यानी कि जब कंक्रीट अपने अधिकतम अनुज्ञेय मान पर पहुंच जाएगी, यानी कि अगर कंक्रीट अपने अधिकतम अनुज्ञेय मान 7 न्यूटन पर mm² में जब पहुंचेगी, उसी समय इस्पात भी अपने अधिकतम अनुज्ञेय मान 230 पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड सेक्शन, ठीक है। इसमें जो आपकी एक्चुअल एन ए होती है, एक्चुअल एन ए और जो आपकी क्रिटिकल एन ए होती है, वो एक ही रेखा पर स्थित होती है। यानी कि आपकी जो एक्चुअल एन ए है वो क्रिटिकल एन ए के बराबर होती है, ठीक है। ये बात आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन के बारे में। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, अभी मैंने आपको बैलेंस सेक्शन के बारे में बताया। बैलेंस सेक्शन के लिए जितना इस्पात हमें चाहिए होता है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन में इस्पात की मात्रा बैलेंस सेक्शन की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है, ठीक है। तो इस कारण आपका जहाँ इस्पात डलता है, जहाँ आपका रेनफोर्समेंट डलता है, वो क्षेत्र यानी कि आपका जो टेंशन जोन है वो तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है, और जो आपका कंप्रेशन जोन है वो वीक रह जाता है। तो इस प्रकार के सेक्शन को हम ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी एक्चुअल एन ए होती है वो क्रिटिकल एन ए से नीचे होती है, ठीक है। वो क्रिटिकल एन ए से नीचे होती है, यदि आपकी क्रिटिकल एन ए यहाँ पर है तो आपके एक्चुअल एन ए थोड़ा उससे नीचे होगी, ठीक है। यानी कि एक्चुअल एन ए का मान क्रिटिकल एन ए से बड़ा होता है, इसे हम लिख सकते हैं एक्चुअल एन ए का मान क्रिटिकल एन ए से बड़ा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन के बारे में, ठीक है। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन क्या होता है, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन यानी कि जैसे कि आपके इस नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अंडर रेनफोर्स्ड यानी कि जो संतुलित खंड के लिए जितने इस्पात की हमें आवश्यकता है उससे कम मात्रा में यदि इस्पात डला हुआ होता है तो उसे हम अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में जो आपकी एक्चुअल एन ए होती है वो क्रिटिकल एन ए से ऊपर होती है, इससे ऊपर होती है यानी कि यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअल एन ए का मान क्रिटिकल एन ए से कम होता है या फिर एक्चुअल एन ए क्रिटिकल एन ए से ऊपर स्थित होती है, ठीक है। तो बच्चों, अब आप जान चुके होंगे कि बैलेंस सेक्शन क्या है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या है और ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या है। तो चलिए, अब जो आपके बात आती है प्रतिरोध आघूर्ण निकालने की, तो उसके बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। प्रतिरोध आघूर्ण आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। प्रतिरोध आघूर्ण के सूत्र मैंने दो बताए थे आपको, दो सूत्र बताए थे प्रतिरोध आघूर्ण निकालने के। वे दोनों सूत्र कब कब यूज होंगे तो उसमें हम देख लेते हैं, ठीक है। जो आपका बैलेंस सेक्शन होता है, बैलेंस सेक्शन, ठीक है, बैलेंस सेक्शन, ठीक, इसमें एक्चुअल एन ए और क्रिटिकल एन ए दोनों एक ही रेखा पर स्थित होती है, ठीक है। तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे एक्स सी, यानी कि क्रिटिकल एन ए का सूत्र हम ये यूज करेंगे, एम सिग्मा सी बी इंटू डी अपॉन एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी, ठीक है। और एक्चुअल एन ए का सूत्र हम ये यूज करेंगे, ठीक है। ये एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में हमें सिद्धाचार्य का सूत्र यूज करना है, वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आप जानते होंगे, ठीक है। और प्रतिरोध आघूर्ण के दो सूत्र हैं, एम आर बराबर सिग्मा एस टी ए एस टी डी माइनस एक्स बाई थ्री, ठीक है, और एम आर बराबर बी एक्स सिग्मा सी बी बाई टू डी माइनस एक्स बाई थ्री।
ये जो मान है d माइनस एक्स बाई थ्री, ये आपकी लीवर आर्म होती है, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जो आपका कंप्रेशन जोन होता है और टेंशन जोन होता है, जो इनका परिणामी बल होता है, उनके बीच की जो दूरी होती है उसे हम लीवर आर्म बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं ये सूत्र इन कंडीशन में, बैलेंस सेक्शन की कंडीशन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन की कंडीशन और ओवर रेनफोर्स सेक्शन की कंडीशन, इनमें कब कब यूज किए जाएंगे, ठीक है। जब आपका बैलेंस सेक्शन होगा तो आप, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स ए एक्स सी के बराबर होती है, ठीक है, यानी कि आपकी जो एक्चुअल एनए है वो क्रिटिकल एनए के बराबर होती है। तो इनमें से आप कोई भी सूत्र यूज करके आप न्यूट्रल एक्स का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। और प्रतिरोध आघूर्ण की बात अगर हम करें बैलेंस सेक्शन के अंडर, ठीक है, तो प्रतिरोध आघूर्ण भी आप इनमें से कोई भी सूत्र यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न में जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें इस्पात के बारे में, यानी कि आपका स्टील कितना पड़ा हुआ है उसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो उसमें आप ये सूत्र यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपका इस्पात दिया हुआ है तो आप इससे भी प्रतिरोध आघूर्ण का मान निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन के बारे में, ठीक है, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपकी एक्चुअल एनए जो होती है वो क्रिटिकल एनए से बड़ी होती है, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो उसमें आपको पता है कि अधिक मात्रा में इसमें इस्पात डाला हुआ है, ठीक है, तो इस्पात के प्रतिबल में तो वो फैल होगा ही नहीं, ठीक है। जो आपकी कंक्रीट है उसमें वो वीक है, उसी में फैल होगा। तो जो कंक्रीट का जो इसमें प्रतिबल है, इन दोनों सूत्रों में जो आपका कंक्रीट का जो प्रतिबल है वो आपके इस सूत्र में है, ठीक है। तो इसलिए हम इस सूत्र को यूज करेंगे, ठीक है, प्रतिरोध आघूर्ण निकालने के लिए इस सूत्र का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिग्मा एसटी में तो वो ज़्यादा मजबूत है, वहाँ तक तो अपनी अनुज्ञेय सीमा वो ग्रहण नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन जो उसका कंक्रीट का जो प्रतिबल है उसमें वो अपने अधिकतम अनुज्ञेय मान पर पहले पहुँच जाता है, इसलिए उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, उस बीम की स्ट्रेंथ होगी, वो उस कंक्रीट, जब तक वो कंक्रीट में फैल नहीं होगा तब तक की ही स्ट्रेंथ उसमें मेजर की जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो जिसमें कंक्रीट का प्रतिबल जुड़ा हुआ है उसे ही हम प्रतिरोध आघूर्ण निकालने के लिए लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन के बारे में, ठीक है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया है कि इसमें जो आपकी एक्चुअल एनए होती है वो क्रिटिकल एनए से छोटी होती है, ठीक है, यानी कि इसमें इस्पात की मात्रा बैलेंस सेक्शन के लिए जो आवश्यक है उससे कम होती है। तो यानी कि जब ये इसमें इस्पात की मात्रा बैलेंस से कम रह जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारा जो सेक्शन है वो टेंशन में फैल हो जाएगा, यानी कि उसका जो टेंशन जोन है वो वीक है तो उसी में फैल होगा। तो जब टेंशन में फैल होगा तो यानी कि जो सिग्मा एसटी है वो अपने अधिकतम मान पर सबसे पहले पहुंच जाएगा, इसलिए हमारा जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है वो हम इस सूत्र से निकालेंगे जिसमें सिग्मा एसटी का मान दिया हुआ होगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं जो कि अभी तक एक सूत्र यूज सबसे ज़्यादा किया जाता रहा है, लेस टी मोर कॉफ़ी वाला, तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा समझने की बात है, जो आपकी एक्चुअल एनए होती है, एक्चुअल एनए, ठीक है, यदि वो क्रिटिकल एनए से कम है, यानी कि लेस है, ठीक है, क्रिटिकल एनए यानी कि इससे बड़ी है, ठीक है, जब एक्चुअल एनए कम है, ठीक है, तो टी यानी कि जिसमें सिग्मा एसटी आया हुआ है, ठीक है, जिसमें सिग्मा एसटी आया हुआ है उस सूत्र को हम यूज करेंगे प्रतिरोध आघूर्ण निकालने के लिए। और वो क्या होता है, एमआर के जो मैंने दो सूत्र बताए थे, एम आर बराबर सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी डी माइनस एक्स बाई थ्री, यानी कि इस सूत्र में सिग्मा एस टी आया हुआ है तो हम ये सूत्र यूज करेंगे, ठीक है। और ये कंडीशन क्या हो जाती है, ये हो जाती है अंडर रेनफोर्स वाली जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है।
अब इतनी बात हमें पता चल गया, ठीक है। अब बात करते हैं मोर कॉफ़ी के बारे में, ठीक है। मोर यानी कि अधिक, मोर का मतलब क्या होता है? अधिक, यानी कि आपकी जो एक्चुअल एनए है अगर वो अधिक होगी क्रिटिकल एनए से, ठीक है, ठीक है, तब हम यानी कि कॉफ़ी जिसमें सी आया हुआ है, ठीक है, सी यानी कि जिसमें सी आया हुआ है, यानी कि सिग्मा सी बी वाला जो हमारा सूत्र है एम आर का प्रतिरोध आघूर्ण निकालने के लिए हम वो यूज करेंगे। ठीक है, ये आ गया ना, तो हम तब ये यूज करेंगे। तो इस सूत्र को याद रखें, या फिर जैसे कि मैंने आपको समझाया है उस तरीके से आप अगर याद रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो बच्चों, आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।